ये बड़ी अल्टीमेट सद्दी दिखी। और दूसरा ही देखो सबसे बढ़िया मूवमेंट आज हमारी वीडियो का, आज हमारे साथ आ गए हमारे मेन कैरेक्टर। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, हवा नहीं चल रही थी और मैं रोज छत पे आ रहा था, एक आधी पतंग उड़ा रहा था और तुमके मार के थक के वापस चले जाता, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज मौसम बिल्कुल परफेक्ट है, हवा बहुत अमेजिंग चल रही है और आज है सैटरडे तो काफी सारे लोग छतों पे आ रखे हैं। जैसे कि अभी आपको डीके ने दिखाया होगा, दिखा देगा नहीं दिखाया होगा तो, कि बहुत सारी पतंगें उड़ रही हैं। तो फटाफट हम अपना मटेरियल दिखाते हैं और क्या क्या उड़ाने वाले हैं और किस तरीके से पतंगबाजी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। लास्ट वीक हमारी सर्दी खत्म हो गई थी और जिसकी वजह से हम पतंगबाजी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम मैं और डीके गए थे गांधी मार्केट, हमारे पास में मार्केट है जहाँ पतंग वगैरह मिलती है। तो वहाँ हमें कहीं पे भी ऑसवाल तो नहीं मिली, लेकिन हमारा नॉस्टैल्जिया मोमेंट जो हम वर्धमान उड़ाया करते थे बचपन में, क्योंकि वर्धमान का ही नाम चलता था सबसे ज़्यादा, ऑसवाल वगैरह तो अब हमने उड़ाना स्टार्ट किया है, तो हम आज वर्धमान की सद्दी लाए। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, वर्धमान का काला चांद आता है तो हमने 900 मीटर का कोन डलवाया था इसमें, जो कि 90 रुपीज़ के समथिंग चल रहा है इस समय मार्केट में, पहले 50 का आता था। और अब देखो इसकी इसकी स्ट्रेंथ देखो, एक तो देखो ये कितनी पतली है, ठीक है, और दूसरा ये देखो भाई साहब 1-2-3 का धागा लग रहा है, ये देखो कुछ है ही नहीं, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने डलवा लिया। बाकी मेरा ओसवाल का जो माल है वो आने वाला है बहुत जल्दी, तो ओसवाल मैंने मंगा रखी है ऑर्डर पे हैं, आ जाएंगी तो वही उड़ाएंगे। बाकी बिल्कुल मज़ा नहीं आया सर्दी में, लेकिन क्या करें हम इससे उड़ाएंगे। बाकी एक चीज़ और लाया हूँ वही मार्केट में, मुझे एक ये बड़ी अल्टीमेट सर्दी दिखी, हालांकि इसका नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं था, लेकिन डीके और मुझे काफ़ी पसंद आई थी चीता। और ये आप देख सकते हो ये भी 80 रुपीज़ के समथिंग पड़ी मुझे, 8 नंबर है और 900 मीटर, बाकी इसमें पूरा 900 मीटर ये वो नहीं है जैसे आप मार्केट में देखोगे पूरी भर देते हैं और बीच में स्पेसेस होते हैं, थ्रेड कम आता है, लेकिन ये प्रॉपर वर्धमान जैसा ही था और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने एक सैंपल के लिए ले ली क्योंकि ये बार बार देखने को नहीं मिलती। और सबसे बढ़िया मूवमेंट आज हमारी वीडियो का, आज हमारे साथ आ गए हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर अनुज, और ये कभी हमारा सब्सक्राइब बटन हुआ करते थे और बहुत टाइम से ये वीडियो में नहीं आते इसलिए हमारे सब्सक्राइबर गिरते चले गए, माइनस में चले गए, और आज आज अनुज हमारे छत पे शामिल हुए हमारे साथ। कैसा लग रहा है अनुज, आप बताओ ऑडियंस को एक बारी। बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है, बहुत सारे बच्चे मुझे मिल रहे थे, बोल अनुज जी हमें इधर उधर दिखते रहते हैं वीडियो में आते हैं, और कैमरे के पीछे डीके पता नहीं ये वीडियो में क्यों नहीं आ रहा आजकल, तो गाइस कमेंट में इससे आप खुद ही पूछ लो, शायद आप लोगों को रिप्लाई कर दें, मेरा तो रिप्लाई कर नहीं रहा है। चलो गाइस बाय। तो गाइस एक चीज़ और, मांझा मैं एज यूजुअल लिंगिया और ड्रैगन लेकर आ रखा हूँ छत पे, गोल्ड और खड़े कांटे की दो डोना आपको पता ही है, और बाकी पतंग मैंने आज पौने निकाल लिए हैं, ये मेरे ख्याल से आपने लास्ट वीडियो में नहीं देखे होंगे, ये भी पौने हैं, इनकी भी टेस्टिंग करेंगे आज, काफ़ी अल्टीमेट है, खटी मापे हैं। और उसके अलावा ये वाली पतंग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें ना वजन आ रहा है ना कुछ, बाकी ये दोनों तो आपने देख ही नहीं, बहुत बढ़िया पतंग है, बहुत अल्टीमेट। तो गाइस बिना किसी देरी के कन्ने बांधते हैं और वीडियो करते हैं शुरू और कॉल मचा देते हैं। तो गाइस आज हमें दो छोटे सब्सक्राइबर मिले हैं, अब इनको हम एक दो पतंग दे देंगे अगर हमने उड़ाई इस साइड से, बाकी लोगों को शायद आज पतंग है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस हमें दीपक के सब्सक्राइबर मिल गए, कहाँ गया वो, देखो हाथ हिला रहा है आज आज दीपक छत पे आया है, चारों तरफ दीपक के सब्सक्राइबर, ठीक है आ जाओ, चैलेंज हो गया हमें, बच्चों ने चैलेंज कर दिया हमें पतंग उड़ाने के लिए। पतंग तो लग तो अच्छी गई काफी, अभी पर हवा चल रही है कम से कम 14 की स्पीड है, बहुत अल्टीमेट स्पीड है, इनफ स्पीड हम जिससे दूर चले जाए। ओहो कन्ने कट गए सारा क्रेडिट अपने ऊपर ही, ओ इसी कन्ने कट गए, ऐसे कट गए, बहुत डोर है बहुत ज्यादा डोर, बहुत भयंकर, अरे नीचे जाता है ना, अरे प्लास्टिक मान जाए, अरे नीचे जाओ ना, अबे गई अबे यार अबे गई इसकी ई भैया गिरा हो गया है, पर प्लास्टिक मान जाता है इसमें, ये बच्चों को मिल जाएगी, पकड़ो 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 गाइस, बहुत ही पेच चल रहा है, ऊपर से फंसा के लाऊंगा, और लड़कियां
अबे यार जब तक मैं खींचता मेरे को लग रहा सब्जी पे बहुत दूर थे मुझसे। अनुज तू आ जाओ भैया नेक्स्ट वीडियो आपका सीन कट यार नहीं ये इसमें क्या हुआ मैंने नहीं 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 सीन कट अच्छा अभी अभी पता लग गया सीन कट सीन कट अभी अगर सद्दी से लड़ी होगी चलो ठीक है समझ ठीक है जल्दी जल्दी सीन कट सद्दी से लड़ूंगा पक्का। हां किससे लड़े हैं सद्दी से खिला ठीक है अरे लगे सद्दी से नहीं मान जा पतंगी बेकार थी वो ओए कोर भैया ओ देख कैसे बोल रहे पतंग को तो चार बार फंसा दिया अपने घर की तार हो गई दूसरे की तो छोड़ दे वहां किए भाई भाई हमें उसका लुट जाएगी लुट के ना चल जाएगी हवा में गिर रही है तेरी पतंग हवा नहीं लग रही बाकी सबकी पतंग हवा में फिर वही गाइस सेम गलती कर दी गद्दा मार दिया और उसकी वजह से उसकी पतंग खड़ी थी। चलो फिर से उड़ाऊंगा और इसी से पेश कर दूंगा। इन पतंग में मकड़ बहुत ज्यादा है मतलब कैसे कैसे क्या बोलते रहते हैं मकड़ भाई मकड़ कर ली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है
इस पतंग का जो कमान होता है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, ये शायद पुरानी रखेंगे, थोड़े टाइम रखेंगे भी शायद आ गया। और दूसरा गाइस, ये जो सर्दी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इतनी बारीक सर्दी है, आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब मैं खींच मार दिया, मेरे को जीरो रिस्पॉन्स आ रहा, जीरो। पहले वर्तमान हमारी टॉप प्रायोरिटी होती थी सर्दी, लास्ट नहीं मिलेगी। तेज लड़ रहा है हमारा, ढील ढील पाउंड। अबे अनुज भाई साहब ने चलती ढील पे पाउंड रख दिया भाई ना, बहुत बेहतरीन हम पेज कर रहे थे, वो भी कट गया। पर अनुज कैमरा स्किल्स को आपकी क्या हो गया है गाइस, क्या करें यार बताओ, अनलकी डे चालू हो गया लग रहा हमारा, और ऊपर से सदी। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो इन कमान जो है ना, कमान जिसे कहते हैं, ये आर्क वाला डंडा, तो ये इसका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अगर ये थोड़ा सा रिजिड हुआ तो आपकी पतंग मतलब एकदम सीधी नहीं खींचेगी, थोड़ा सा जोर लेगी। बाकी ये सदी बहुत पतली है, खींचा बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो आप में से जो भी लोग वर्धमान पे 8400 बांध रहे हैं ना, मत बांध रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। या तो विक्टर ले लो, ओसवाल ले लो, या बलून ले लो एक बार को, बट ये कभी मत बांधो, इसका रिव्यू जीरो है। बाकी जो हम चीता लेकर आए, चीता सद्दी, वो भी मैं सैंपल में ही रखूँगा, वो भी इसके जैसी ही है, थोड़ी मजबूत है इससे, लेकिन वो भी पतली में ही आती है। चलो गाइस, अब ये वाली पतंग है, इसको उड़ाते हैं और पार करते हैं। एसी काट दिए इन्होंने लोगों के। अबे मत दिखा, अबे गिर जाऊंगा नीचे। उड़ाई चाल ही थी। तो भाई ये कितनी ऊपर आ गया। ओ वाह। रियो रियो रियो। गाइस। गद्दा मारूंगा फिर से आज का, आज गद्दे पे कटेंगे। ठीक है चलो। लग गए पेच पे, ढील पे लग गए अबे। बाव! गद्दा मारना है। गद्दा मारे। गद्दा मारना था, गद्दा लगाई नहीं। कट गई। अबे फिर उसकी डोर पे लगी, लगी डोर पे खींच मार दी। थैंक यू सद्दी का, कोई यूज नहीं आ रहा सद्दी का। देखो फिर, देखो इसकी, देखो देखो और क्या, देख ले सामान जा भी है इसमें लपेट। गरीब आदमी। आज हमारा दिन, आज बिल्कुल मजा नहीं आया पतंगबाजी करने में। एक तो सदी, अब मैं सोच रहा हूँ दीपक को एक रोवे कर दिया, कोई बच्चा आएगा उसको दे दूंगा। अरे क्या है ये, एक तो इतनी पतली, ऊपर से ऐसा लग रहा है 1-2-3 का धागा पीछे बांध दिया, और पतंग बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही, और जो पतंगें उनमें भी थोड़ी मकड़ थी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम मौसम की सब्जी लाएंगे। और दीपक पीछे कैमरा के हंस रहा है, पता नहीं क्यों। तो भाई चलो, ये भी अनलकी डे की सीरीज बन गई, जो कि काई फाइटिंग की होने वाली थी। स्पेशल थैंक्स टू अनुज फॉर कमिंग एंड मेकिंग आवर डे थोड़ा सा मनु। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो गाइस, फिर मेरी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट।